गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने पिछले दो क्लास में मैंने ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में पढ़ाया और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करा दिया है। तो आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक को डाल दूंगी, आप प्लीज उन दोनों वीडियो को देख लेना, क्योंकि उन वीडियो को देखने के बाद ही आज की क्लास आपको समझ में आएगी। ठीक है, ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग एक्टिविटी ग्रुप्स क्या होते हैं, उनके सारे क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑन बेंजिंग डेरिवेटिव, ठीक है, सब मैंने आपको बता दिया है। तो उन जितना भी मैंने पढ़ाया आपने पिछले दो क्लास में, उसका समरी मतलब है कि समराइज करके मैंने इस बोर्ड पर लिख दिया है। ठीक है, चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। जो पहला ग्रुप है वो है फिनोक्साइड आयन। यहाँ पे क्या जुड़ा है, बेंजीन रिंग है, उससे आपका ओ नेगेटिव अटैच है, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। अब ये जो आयन है ये किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो करेगा और उसका नेट रिजल्ट क्या होगा। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो कर सकते हैं ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखेगा, मतलब माइनस आई, लेकिन प्लस आर भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो बेंजीन रिंग से अटैच है तो प्लस आर की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है बेंजीन रिंग में, तो वहां पर प्लस आर भी हो सकता है। तो नेट रिजल्ट मतलब कि कौन सा डोमिनेंट होगा, माइनस आई की प्लस आर, प्लस माइनस आर की प्लस आई। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रही हूँ कि जो ग्रुप्स है आपके वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो करते हैं और कौन सा डोमिनेंट होगा जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी बेंजीन रिंग में कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होगी, वो चीज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद ये जो ग्रुप्स है ये रिलीज करने के बाद इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो वो किस तरह का बिहेव शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे तो किस तरह का बिहेव शो करेंगे रिंग में, बेंजीन रिंग में। ठीक है, तो रेट कंट्रोलिंग इफेक्ट यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, उसके बाद ओरिएंटिंग इफेक्ट मतलब डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर कराते हैं ना ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन बताते हैं कि भाई बेंजीन रिंग में तुम कौन से पोजीशन पे जुड़ोगे, कौन ये ग्रुप्स, इसलिए इनको बोलते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे ओरिएंटिंग इफेक्ट इन ग्रुप्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं आपको सारे ग्रुप्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहला आता है फिनोक्साइड आयन। आप देखोगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसके पास दो लोन पेयर है, साथ ही यहाँ पर एक माइनस चार्ज भी है। माइनस चार्ज का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है किसी और एटम का, ये साहब लेकर बैठे हुए हैं, अपना इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही है लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी और एटम का ये लेकर बैठे हुए हैं। क्यों लेकर बैठे हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इस वजह से। तो यहाँ पर जो ओ नेगेटिव है, ये ओ नेगेटिव का काम होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा हो गई है, एक तो खुद का लोन पेयर ऊपर से दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी भाई साहब लेकर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन को रिंग में सप्लाई करने लगेगा, जिसके वजह से ये प्लस आर इफेक्ट शो करने लगेगा। अब आप बोलोगे कि प्लस आर क्या होता है, तो सब मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस आर माइनस आर, प्लस आई माइनस आई सब कुछ पढ़ा दिया मैंने अपने पिछले दो क्लासेस में भी, मैंने काफी डिटेल से बताया है। ठीक है, तो आप उन वीडियो को जरूर देख लेना, तभी आज की क्लास आपको समझ में आएगी। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा रिंग में, तो जिसकी वजह से ये प्लस आर शो करेगा। प्लस आई क्यों शो करेगा, क्योंकि माइनस आ गया ना, फिर माइनस नहीं होता तब ये माइनस आई शो करता, लेकिन इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये प्लस आई शो कर रहा है। तो ओवरऑल जो इफेक्ट होगा, ओवरऑल जो नेट रिजल्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, मतलब ये आपका बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा। सप्लाई करने की वजह से जो बेंजीन रिंग होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और जो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो देखेगा कि भाई बेंजीन रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो आराम से इजिली उस पर अटैच कर लेगा और फिर प्रोडक्ट बना लेगा। तो इस वजह से वो ये जो ग्रुप है ये आपका क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है बेंजीन रिंग को, इलेक्ट्रोफाइल को, भाई बुलाओ जल्दी से रिएक्शन करो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप। इजिली आपका इलेक्ट्रोफाइल इजिली बेंजीन रिंग पर अटैक कर रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए। किसकी वजह से ज्यादा हो गए, आपके फिनोक्साइड आयन की वजह से, क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट को शो कर रहा है। तो बेंजीन में जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं तो इजिली आपका इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करेगा, मतलब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि वो जो आपका फिनोक्साइड आयन है वो आपका स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर बेंजीन में सप्लाई कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट कर रहा है, वो बेंजीन रिंग को स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो कहलाएगा स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने आपसे कहा कि मैंने अभी दो जो आपके क्लासेस लिए हैं पिछले दो क्लासेस उसमें मैंने आपको सब बताया है।
तो ये हो गया स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप. आज मैं केवल समराइज कर रही हूँ, ठीक है. अब ये जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब बढ़ा देते हैं बेंजीन रिंग में, तो इस तरह के ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं. ये इलेक्ट्रोफाइल को कहां जोड़ेंगे? आर्थो और पैरा पर. क्यों जोड़ेंगे? इसका रिजोनेटिक स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, फिनोक्साइड आयन का रिजोनेटिक स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और मेटा पर जस के तस है. तो भाई मेटा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? उसको तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, तो वो आर्थो और पैरा पर अटैक करेगा मेटा की तुलना में, ठीक है. तो मेटा के कंपैरिजन में वो आर्थो और पैरा पर अटैक करेगा कब? जब स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे तब, ठीक है. तो इस तरह के ओरिएंटिंग इफेक्ट को क्या बोलेंगे? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. तो फिनोक्साइड आयन आपका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है. नोट करते चलिए जल्दी जल्दी, क्योंकि अब इसको मैं साफ करूंगी, अभी बहुत सारे ग्रुप है, ठीक है. इतने ही ग्रुप नहीं होते, अभी और भी है, तो आप जल्दी से इसको नोट भी करते चलिए साथ में. अब देखिए यहाँ पर सेकेंड है आपका OH ग्रुप, ठीक है. यहाँ पे क्या है? बेंजीन रिंग. यहाँ पर क्या है? बेंजीन रिंग. भाई बेंजीन रिंग मैंने नहीं बनाया, केवल मैंने ग्रुप बनाया है, ठीक है. तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये OH ग्रुप है और ये NH2 ग्रुप है. इसके पास दो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास. लेकिन ये दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है. तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे. तो यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट काम करेगा? माइनस आई. कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट काम करेगा? माइनस आई, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. इज दैट क्लियर? अब साथ में आप देखेंगे कि जब ये बेंजीन से अटैच हो जाएगा, ये ग्रुप जो है जब बेंजीन से अटैच होगा तो बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म में. उसकी वजह से ये लोन पेयर जो है, ये सिंगल लोन पेयर है, यहाँ पे दो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर उस अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में जाने लगता है, जिसकी वजह से वो रिंग में घूमने लगता है. ये लोन पेयर जो है रिंग में घूमने लगते हैं, बेंजीन रिंग में घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? बेंजीन रिंग में भेज रहा है. ये जो ग्रुप्स है अपने लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग में सप्लाई कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है. तो जिसकी वजह से आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, वो आर्थो और पैरा पर ही आके जुड़ जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर ये माइनस आई तो सो करेंगे, लेकिन ये डोमिनेट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? प्लस आर की वजह से, क्योंकि ये बेंजीन रिंग से ग्रुप अटैच होते हैं तो वहां पर प्लस आर इफेक्ट लगने लगता है. रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इसका ड्रॉ करके भी देख सकते हो कि आर्थो पैरा क्यों होता है. ये क्यों आर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है? इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए बेंजीन के साथ इस ग्रुप का, तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पर बढ़ती है मेटा की तुलना में. तो यहाँ पर आपका प्लस आर जो होगा वो डोमिनेंट हो जाता है, जिसके वजह से ये जो ग्रुप्स है ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने लगते हैं बेंजीन रिंग में. इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है. आगे जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाने लगते हैं. सीएल का केस अलग है, सीएल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसका केस अलग है. तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाने लगेंगे. ये क्या है? रेट कंट्रोलिंग इफेक्ट है. तो क्या होगा कि आपका जो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जल्दी से इजिली आपका कहां अटैक करेगा? आर्थो और पैरा पोर्शन पर अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पर ज्यादा हो जा रही है. तो ये हो जाएगा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. नोट करते चलिए आप लोग, सब मैंने बताया है, ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ सब चीज को. अच्छा, तीसरा नंबर है यहाँ पर OR ग्रुप. OR, आर की जगह पे CH3 आप ले सकते हो, ठीक है, एल्कोक्साइड ग्रुप कर सकते हैं इसको. तो ये OR है, यहाँ पे दो लोन पेयर है. यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिए, बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, इस पर जरा आप ध्यान दीजिए कि ये जो ग्रुप है इसमें कार्बन से डायरेक्ट बेंजीन अटैच नहीं है, ऑक्सीजन से बेंजीन अटैच है. यहाँ पे क्या है? बेंजीन होगा. यहाँ पे क्या होगा? बेंजीन होगा. तो इस ग्रुप में आपका यहाँ पर बेंजीन है, उसके बाद ऑक्सीजन उससे अटैच है, उसके बाद कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ फिर आर है. अगर बेंजीन इस कार्बन से अटैच होता तब वो मेटा डायरेक्टिंग होता, तब वहां पर वो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने की प्रॉपर्टी रखता, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ मतलब इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है वो पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो वो आपके बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लेगा, तो वो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर ये सी बेंजीन से अटैच नहीं है, ऑक्सीजन बेंजीन से अटैच है, ये बात ध्यान रखिएगा. इस ग्रुप में आपका बेंजीन से ऑक्सीजन अटैच है और ये बेंजीन के पास सॉरी इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? आपका इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने लगेगा बेंजीन रिंग में, जिसको हम बोलेंगे कि ये प्लस आर शो कर रहा है. साथ ही इसकी भी वही कहानी है, आर के जगह पे मैंने ये ग्रुप अटैच कर दिया है,
ये अगर होगा तब भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा आपका बेंजीन रिंग में। मैंने आपको अपने लास्ट क्लास में बताया था कि जब कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच हो तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को भी विथड्रॉ करता है अपने तरफ, तो वो माइनस आई या माइनस आर को शो करने लगता है। लेकिन अगर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच हो कार्बन से या बेंजीन रिंग से, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने लोन पेयर को रिंग में डोनेट करने लगता है, तो उसकी वजह से वो आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है, वो रिंग को एक्टिवेट करने लगता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? इस केस में सिंगल बॉन्ड से अटैच है ऑक्सीजन, ये वाला जो है डबल बॉन्ड से अटैच है, बट ये बेंजीन रिंग से अटैच ही नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट एटम अटैच है उससे, जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच एटम है उस पर हमें ध्यान देना है कि वो डबल बॉन्डेड है कि सिंगल बॉन्डेड है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर हमें ध्यान देना है, उसके बगल वाले एटम पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जो ओ आर होते हैं या ओ सी डबल बॉन्ड आर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का टेंडेंसी रखते हैं, साथ में माइनस आई क्यों, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी वजह से ये माइनस आई होगा। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि माइनस आई है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए माइनस आई है। यहाँ पर भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो माइनस आई है, लेकिन दोनों ही प्लस आर शो कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनके पास है जो रिंग में इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्लस आर इफेक्ट को शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिंग में रिलीज करेंगे, विथड्रॉ नहीं करेंगे रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से जो बेंजीन रिंग है वो एक्टिवेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी। और कैसा एक्टिवेट होगी? मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होगी। अगर ये नहीं आता रहा आपको तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है कि कितना फास्ट रिएक्शन होगा, क्योंकि ऊपर लिखा रेट कंट्रोलिंग इफेक्ट, तो कितना तेजी से होगा कितना धीरे से होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर मॉडरेटली स्ट्रांगली वगैरह लिखा है। ठीक है, तो अगर आपको मॉडरेटली स्ट्रांगली याद नहीं भी आ रहा है तो आप कितना भी लिखेंगे तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका मॉडरेटली एक्टिवेट करते हैं ग्रुप को, माइनस आई की वजह से थोड़ा बहुत जो होती है इनकी जो रिलीजिंग पावर होती है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है, तो इसकी वजह से ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। साथ में आपका जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे बेंजीन रिंग में तो आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? आर्थो पैरा पे, जिसकी वजह से ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाते हैं। समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं C6H5, इसे बोलते हैं फेनिल ग्रुप। ठीक है, C6H5 अगर किसी बेंजीन रिंग से अटैच हो, अब आप बोलोगे तो ये भी तो बेंजीन ही है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग अगर किसी बेंजीन रिंग से अटैच हो तब क्या होगा? तो बेंजीन रिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्लस आर की होती है, तो देखने से समझ में आ रहा है कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, और जो दूसरे बेंजीन से अटैच होगा उसमें भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, तो क्या हो जाएगा? पूरे रिंग में, पूरे दोनों रिंग में इलेक्ट्रॉन सप्लाई होने लगेंगे, पूरे रिंग में डीलोकलाइज होने लगेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो C6H5 ग्रुप होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में सप्लाई करने लगता है, साथ ही ये माइनस आई भी शो करता है। बेंजीन रिंग जो होता है, माइनस आई वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था इंडक्टिव इफेक्ट में, जो फेनिल रिंग होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं, तो ओवरऑल ये वीक हो जाता है लेकिन ये डोमिनेंट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाली कैपेसिटी रखता है। ठीक है, जिसकी वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है और ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? फिर आर्थो पैरा पर। अच्छा, ये कैसे एक्टिवेटिंग ग्रुप है? तो ये वीकली एक्टिविटी ग्रुप है, ये ज्यादा सप्लाई नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि अब दोनों अगर रिंग हो, जो बेंजीन रिंग ये है और ये जो बेंजीन रिंग है आपस में जुड़े हुए हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन दोनों रिंग में घूम रहे, इधर से उधर घूम रहे हैं। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आ जाएगा तो भाई तो वो तो परेशान हो जाएगा कि मैं अटैक कहाँ पे करूं, पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहेगा कि मैं अटैक कहाँ करूं, तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो इस वजह से वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाते हैं, अच्छे से ये रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। आगे है जो CH3 ग्रुप है, जिसे हम मैथिल ग्रुप भी कहते हैं, अगर ये किसी बेंजीन से अटैच है तो उसे हम टालोइन कहते हैं। आपने पिछले क्लास में, जो लास्ट क्लास मैंने लिया, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मैंने बताया मैंने आपको कि कैसे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसके, कैसे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है बेंजीन रिंग में, सब मैंने आपको अपने पिछले क्लास में इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, तो जो CH3 ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट को शो करता है, साथ ही ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को भी शो करता है। हाइपर कंजुगेशन क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट से थोड़ा सा डोमिनेंट होता है बट रिजोनेंस इफेक्ट से वीक होता है। हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो रिजोनेंस इफेक्ट से वीक होता है लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा डोमिनेंट होता है। तो ओवरऑल ये जो प्रॉपर्टी होगी इसकी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की प्रॉपर्टी हो जाएगी हाइपर कंजुगेशन की वजह से और प्लस आई की वजह से ये रिंग में इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करने लगेगा। तो ये वीकली होगा कि मॉडरेट होगा?
ये वीकली एक्टिविटी ग्रुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस आर तो है नहीं, ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है। प्लस आर अगर होता तो वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाता, तब रिंग में स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता, तो वो स्ट्रॉन्गली एक्टिविटी ग्रुप कहलाता। रिजोनेंस इफेक्ट इज मोर ग्रेटर देन अदर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका हाइपर कंजुगेशन, सबसे पहले क्या होता है रिजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, तो आपका यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन की वजह से और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से CH3 ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अगर R होता तो वो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता। तो यहाँ पर तो R है नहीं, R कैसे होगा भाई यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर आपका हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि लोन पेयर भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो हाइपर कहाँ से प्लस R होगा? आर के लिए लोन पेयर होना चाहिए या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, दोनों ही इसके पास, इस बेचारे के पास नहीं है, ले देखे बस एक हाइड्रोजन है, तो इस वजह से ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करेगा रिंग के साथ और अपने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा रिंग में और प्लस आई की वजह से, तो ये आपका वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। थोड़ा बहुत ही रिंग में इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर पाता है, जिसकी वजह से जो रेट होता है वो कम हो जाता है जब इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है, लेकिन रिंग में सप्लाई तो कर रहा है भाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी हो जाता है। वीकली हो चाहे आपका स्ट्रॉन्गली हो चाहे मॉडरेट हो, एक्टिविटी ग्रुप तो है ना। एक्टिविटी ग्रुप होने का मतलब हुआ कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्शन होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होगा, ऑर्थो पैरा पर ही इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगी, चाहे कोई भी हो, स्ट्रॉन्गली हो, मॉडरेट हो या वीकली हो, आपका एक्टिविटी ग्रुप तो है ना, रिंग में सप्लाई तो कर रहा ना इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होगा। इज दैट क्लियर? चलो, तो यहाँ तक तो हो गया। CH3 ग्रुप जो होता है वो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो ये वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है क्योंकि रेजोनेंस में नहीं होता है। आगे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। नेक्स्ट है आपका ये हैलोजन्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एग्जाम में ज्यादा आता है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और इसको मैंने अपने पिछले दो क्लासेस में इतना अच्छे से फुल डिटेल से बताया है, कई बार बता दिया मैंने इसको। तो ये जो आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, जिसकी वजह से माइनस आई डोमिनेंट हो जाता है यहाँ पर प्लस आर की वजह से। मैंने कहा कि रेजोनेंस इफेक्ट कब आपका अप्लाई होगा? जब या तो एटम के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो या डबल बॉन्ड हो। रेजोनेंस इफेक्ट कब अप्लाई होगा ग्रुप में? जब लोन पेयर हो या डबल बॉन्ड हो, तब रेजोनेंस इफेक्ट आपका अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर आपका नहीं था CH3 में, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन है। इसके केस में अगर क्या देखेंगे, आप लोन पेयर्स दिए हुए हैं, तो लोन पेयर दिया हुआ है तो रिंग में लोन पेयर को सप्लाई करने लगेगा, तो वहां पर प्लस आर इफेक्ट काम करेगा। रिंग में आपका लोन पेयर सप्लाई करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन भेजने लगेगा रिंग में, बेंजीजिंग में, तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने लगा वो, साथ ही यहाँ पर माइनस आई भी काम करने लगता है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी वजह से माइनस आई डोमिनेंट हो जाता है प्लस आर पे। ठीक है, अभी आप धीरे धीरे जब हायर क्लासेस पे जाएंगे तो आप, शायद मैंने बताया भी अपने लास्ट क्लास में कि आपका ऑर्थो प्रोडक्ट जो होता है वो कम बनता है, पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर बनता है, क्योंकि ऑर्थो प्रोडक्ट पर डिस्टेंस कम रहता है इसका Cl का उस कार्बन के साथ, तो आपका वहां पर माइनर बनने लगता है, क्योंकि माइनस आई की वजह से वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता ही नहीं है, क्योंकि माइनस आई ने सारा इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आने लगता है, तो इलेक्ट्रोफाइल को पॉजिटिव तो नहीं चाहिए, उसको तो नेगेटिव चाहिए, तो वो ऑर्थो पर अटैक नहीं करता, वो पैरा पर जाकर अटैक करने लगता है, क्योंकि पैरा थोड़ा डिस्टेंस दूर होता है इस ग्रुप से, ठीक है, बेंजीनिंग से, तो इस वजह से पैरा प्रोडक्ट मेजर बनने लगता है, क्योंकि वहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो की तुलना में थोड़ा ज्यादा होती है, क्योंकि वो दूर हो गया Cl से। तो इंडक्टिव इफेक्ट आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये सब मैंने अपने पिछले क्लासेस में बताया है, अभी लास्ट क्लास में मैंने लिया था उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया है कि ऑर्थो प्रोडक्ट जो बनेगा, ऑर्थो पोर्शन पर जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कम बनेगा, वो माइनर बनेगा, और जो पैरा पर आएगा इलेक्ट्रोफाइल वो मेजर बनेगा, क्योंकि पैरा जो है वो आपका Cl से, बेंजीनिंग से अगर Cl को जोड़ोगे तो बेंजीन रिंग में Cl को नीचे ऊपर रहेगा Cl और आपका पैरा पोर्शन नीचे, तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो उतना इलेक्ट्रॉन पैरा से नहीं खींच पाता है जितना कि वो ऑर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। तो आपका जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो कार्बन उतना ही पॉजिटिव होने लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करेगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो नेगेटिव चाहिए, तो वो पैरा पर जाने लगता है इलेक्ट्रोफाइल, तो पैरा वाला प्रोडक्ट आपका ज्यादा बने लगता है कंपेरिजन टू ऑर्थो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट क्लास आप देख सकते हो, मैं इसको इरेज नहीं कर सकती क्योंकि अभी मुझे पढ़ाना है, नहीं तो मैं इसको साफ करके फिर मैं आपको बताने लगती स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, लेकिन मुझे अभी आपको समझाना है इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रही। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आई बटन में लिंक को डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। चलो, तो यहाँ पर आप देखो ClBrI जो है अपने लोन पेयर्स की वजह से प्लस आर तो शो कर रहे हैं, बट हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है
तो ये माइनस आई को शो करने लगते हैं। ओवरऑल जो होता है ये माइनस आई इफेक्ट प्लस आर पर डोमिनेट हो जाता है, स्पेशली आर टू पोजिशन पर। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉवल ग्रुप कहलाता है, ये इलेक्ट्रॉन को रिंग से खींचने लगता है। उतना नहीं खींच पाएगा, क्यों नहीं, क्योंकि प्लस आर भी तो है, भले ये डोमिनेंट नहीं है लेकिन है, तो काम तो कर रहा है ना प्लस आर। ये लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन सप्लाई तो हो रहा है रिंग में, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, ये वीकली डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग या मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग नहीं होगा, ये क्या होगा, वीकली डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि प्लस आर की वजह से इलेक्ट्रॉन सप्लाई तो हो रहे हैं, तो ये उतना डीएक्टिवेट नहीं कर पा रहा है रिंग को, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन भेज ही रहा है रिंग में, जिसकी वजह से वो जो आपका बेंजीन रिंग है वो एक्टिवेट हो जा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए। तो इसलिए इसको बोलेंगे कि वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। बट आपका प्लस आर की वजह से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये एग्जाम में ज्यादा आता है ये वाला हेलोजन वाला, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा अलग हो गया। एक तो ये आपका लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, फिर भी ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है ये सब मैंने आपको बताया है, ये वीकली डीएक्टिवेटिंग होता है। वीकली मतलब उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता प्लस आर की वजह से, तो आपका डीएक्टिवेटिंग होता है लेकिन वीकली होता है, उसका प्रभाव उसका पड़ता नहीं है बेंजीन रिंग पे। तो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ आने लगते हैं, ऑर्थो पैरा पर आने लगते हैं। कैसे पता चलेगा इसका, अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे हेलोबेंजीन का या क्लोरोबेंजीन का, तो आप देखेंगे कि वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। और माइनस आई की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से वो वीकली डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका NO2 ग्रुप है, CN है, SO3H है और COOH है, CHO है जिसे बेंजाल्डिहाइड ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये आपका सी डबल बॉन्ड OR है। ठीक है, ये जो ग्रुप्स है, ठीक है, इसमें आप देखोगे कि नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसमें दो ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है वो अटैच है, साथ में डबल बॉन्ड भी है उसमें। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए, इसमें कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड N अटैच है। यहाँ पर सब क्या अटैच है, बेंजीन रिंग अटैच है यहाँ पर, जो मैंने बनाया नहीं है, मैं केवल ग्रुप बनाकर आपको दिखा रही हूँ, कंपाउंड बनाकर नहीं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आपका साइनोबेंजीन हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बेंजोइक एसिड हो जाएगा, बेंजाल्डिहाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो कंपाउंड है, ये जो ग्रुप है आपके, साइनो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, इनमें आपके डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड इसमें डबल बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने खींचने की क्षमता रखेगा। ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन, ये भी ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये एन खींचेगा, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, एक पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, बगल के जो बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन है उसको अपने पास बुलाने लगेगा, अपने पास खींचने लगेगा, जिसकी वजह से जो बेंजीन रिंग है उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए, चाहे वो साइनो ग्रुप हो, चाहे वो नाइट्रो ग्रुप हो, चाहे कोई भी इसमें ग्रुप हो। जब इलेक्ट्रॉन खींचने लगेंगे बाहर, तो जो बेंजीन रिंग है उसमें पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पर डेवलप होने लगेगा। कैसे होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। ये सब मैंने बताया है अपने लास्ट क्लास में, पिछले क्लासेस में मैंने सब बताया है, इसका स्ट्रक्चर बनाकर पूरा डिटेल से मैंने बताया है कि जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है कंपेरिजन टू मेटा पोजिशन। ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है कंपेरिजन टू मेटा पोजिशन। मेटा पोजिशन जस का तस है, चाहे कोई भी ग्रुप हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, मेटा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना बढ़ती है ना घटती है, वो जस का तस रहता है। केवल ऑर्थो और पैरा पर ही हमें देखना होता है। ऑर्थो और पैरा जो है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ रही है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, घट रही है तो मेटा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा, तो वो हो जाएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन अगर वो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पर नहीं, कहां अटैक करेगा बेचारा, वो घीच घाच के मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा से ज्यादा होगी। तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर जाके जुड़ेगा, जिसकी वजह से वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपका NO2, CN, SO3H, C डबल बॉन्ड OH या CHO, सब में डबल बॉन्ड O है, सब में डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N है।
जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने की टेंडेंसी रखते हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं, बाहर खींच रहे हैं, तो रिंग में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है कहां कहां पर, आर्थो और पैरा पोजिशन पर। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो आर्थो पैरा पर अटैक ही नहीं कर पाता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वहां पर, तो वो कहाँ अटैक करेगा, वो देखेगा कि मेटा पोजिशन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आर्थो पैरा की तुलना में ज्यादा है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी ने छेड़ी नहीं, आर्थो पैरा पर ही कम हुआ लेकिन मेटा जिसका तस है, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजिशन पर आके जुड़ने लगेगा, जिसकी वजह से ये ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाते हैं। साथ ही आप यहाँ जरा नोट कीजिए करेंगे कि स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, मैंने आपसे कहा कि इसमें आपका माइनस आर माइनस आई दोनों ही काम करता है। माइनस आर कैसे काम करेगा, क्योंकि आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड ओ है, ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर खींच रहा है बहुत तेजी से, तो ये माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। साथ में माइनस आई क्यों होगा, क्योंकि ये आपके वही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है, साथ में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अटैच है, तो आपका वो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, विथड्रॉ करने का काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप हो जाता है। जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दूं आपको, नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए, यहाँ पे ये है बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग अटैच है, ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग है, तो ये आपका कार्बन डायरेक्ट इससे अटैच है, तो बेंजीन रिंग से, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन खींचा, तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, बगल के पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लिया बाहर की तरफ, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, विथड्रॉ हो रहा है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, बाहर खींच रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, तो इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, कोई भी लोन पर वगैरह नहीं है इसके पास की सप्लाई कर दे, ठीक है, मतलब आपके नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, और ये नाइट्रोजन को आप कहेंगे कि इसमें लोन पेयर है, लेकिन वो भी नहीं जा पाता है रिंग में, क्योंकि इसके पास दो ऑक्सीजन है जो खींच कर रखते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, समझ आ रहा है कि नाइट्रो बेंजीन में जो ऑक्सीजन है आपके, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है फिर भी वो अंदर नहीं जा पाता है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रो दो आइटम अटैच है ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है। इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे अगर NO2 का, तो आप देखेंगे कि ये है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है, तो ये अपना एक लोन पे इसके साथ जोड़ दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे होता है आपका दो ऑक्सीजन और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है एक दो तीन बॉन्ड बना लिया और अपना लोन पेयर इस ऑक्सीजन को सप्लाई कर दिया, तो इसके पास तो लोन पेयर भी नहीं है भाई साहब, जब इसके पास लोन पेयर होगा ही नहीं तो ये प्लस आर कहाँ से शो करेगा, ये तो माइनस ही शो करेगा ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो ये माइनस आर और माइनस आई को ही शो करता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने जो लास्ट दो क्लासेस बताए हैं उसमें पूरा स्ट्रक्चर वगैरह सब बता के, एक एक घंटे की जो क्लासेस मैंने ली हैं अपनी पिछले की दो क्लासेस उसमें काफी कुछ बताया है मैंने, ठीक है, आज तो मैं केवल समराइज कर रही हूँ, आज आपको केवल मैं समराइज कर, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन का केस क्या है, एन है, डबल बॉन्ड ओ है, और इस तरह से ये ऑक्सीजन से अटैच है और यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग अटैच है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका लोन पेयर होगा एक दो तीन, तीन बॉन्ड नाइट्रोजन की हो गई, वो जो लोन पेयर था वो इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन को दे दिया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि इसने अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को दे दिया, तो इसके पास तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये प्लस आर कहाँ से शो करेगा, ये माइनस आर ही शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बगल के इलेक्ट्रॉन को फिर खींच लेगा, ठीक है, तो ये माइनस आर और माइनस आई दोनों ही शो कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से ये हाईली स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है, बहुत तेजी से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, विथड्रॉ कर लेता है बेंजीन रिंग से, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग आर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन मेटा पोजिशन जस्ता तस रहता है, तो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजिशन पर आकर जुड़ने लगता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा से थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि वो तो अनटच्ड है, इस वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, साइनोबेंजीन की बात करें तो ये आपका है, ठीक है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, तो ये क्या करेगा, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो ये बगल के पाई इलेक्ट्रॉन को वापस अपने पास खींच लेगा, तो ये माइनस आर माइनस आई दोनों शो करेगा साइनोबेंजीन, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग, चाहे बेंजल्डिहाइड हो, बेंजोइक एसिड, ठीक है, फिर आपका सल्फोनिक एसिड, ठीक है, ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए, बनाकर आप देख सकते हो, तो ये माइनस आर माइनस आई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। चलिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर आप जरा देखिए ध्यान से, ठीक है, ये आपका जो ग्रुप है ओ C
सी डबल बॉन्ड ओ आर, और ये जो ग्रुप है आपका बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ आर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये ऑक्सीजन डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है, बट ये कार्बन डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो वो बगल के पाई इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा जो बेंजीन रिंग में है। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है बेंजीन रिंग से, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन ये जो है ये आपका बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं है, कौन डायरेक्ट अटैच है, ये ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच है जिसके पास लोन पेयर है और कोई प्रॉब्लम नहीं, डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। समझ में आ रहा है ना? चलिए, मैंने दोनों सेम जैसे थे तो मैंने सोचा कि बता दूं आपको दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए तो इसको आप जल्दी से सारा नोट कर लीजिए क्योंकि अभी मुझे साफ करना है, फिर मुझे दूसरे ग्रुप्स के बारे में भी आपको बताना है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं हट रही हूँ, इसको पॉज कीजिए, बटन को वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आप नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर और दो ग्रुप मैंने यहाँ पर चार्ट में लिख दिया है। ठीक है, चलिए ये देखिए, तो यहाँ पर ग्रुप है आपका बॉन्ड NH3+। ठीक है, ये आपका कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो करेगा और नेट रिजल्ट क्या होगा उस इफेक्ट का। तो NH3 में कोई भी लोन पेयर तो है नहीं कि आपका रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, कोई माइनस चार्ज तो है नहीं कि रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, तो ये ओवरऑल के माइनस आई ही शो करता है और स्ट्रॉन्ग माइनस आई शो करता है क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, साथ में यहाँ पर चार है वैलेंसी, एक ये हो गया और तीन हाइड्रोजन ही अटैच है, तो ओवरऑल नाइट्रोजन तीन ही बनाता है या पांच बनाता है, यहाँ पर चार बॉन्ड हो गया प्लस प्लस चार्ज है यहाँ पर, तो ये हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉवल ग्रुप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने वाली कैपेसिटी के अंदर आ जाती है। तो ये माइनस आई हो जाता है, माइनस आई इफेक्ट को शो करता है और नेट रिजल्ट क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कहां से, बेंजीन रिंग से। ठीक है, जिसके वजह से स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है, पूरे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, तो जिसके वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, NH3+ मेटा डायरेक्टिंग होता है बट NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, NH2 ये और बॉन्ड NH3+, दोनों में डिफरेंस क्या है, बॉन्ड N प्लस H3 है और यहाँ पे NH2 है। ठीक है, इस ग्रुप और इस ग्रुप में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर हाइड्रोजन तीन है, लेकिन यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, ये लोन पेयर इसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में यूटिलाइज कर लिया, तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव आने की वजह से इसकी टेंडेंसी हो गई इलेक्ट्रॉन को खींचने की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो बगल के पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ये। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने की टेंडेंसी को रखता है, नाइट्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो माइनस आई शो करेगा, बट ये लेस डोमिनेंट होता है कंपैरिजन टू प्लस आर की तुलना में, यहाँ पर जो आपका रेजोनेंस इफेक्ट है वो ज्यादा काम करेगा। लेकिन इस केस में तो आर है ही नहीं क्योंकि लोन पेयर है नहीं, तो आर इफेक्ट तो लगेगा ही नहीं, बस यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगेगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बहुत कम हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एनिलीन है, जो यहाँ से बेंजीन से जोड़ेंगे NH2 को, तो क्या बनेगा, एनिलीन, और यहाँ पर एनिलियम आयन बनेगा। ये सब मैंने अपने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से बताया है डिटेल से। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है, इस तरह से है और यहाँ पर NH2 है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये बेंजीन रिंग है और ये NH3+ है, प्लस चार्ज आने की वजह से ये नाइट्रोजन बगल के पाई इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ये रहा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, माइनस आई क्यों शो करेगा, क्योंकि आर वन करेगा ही नहीं, रेजोनेंस इफेक्ट शो ही नहीं करेगा क्योंकि लोन पे है ही नहीं, तो माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रहा है। ठीक है, प्लस चार्ज है ना, इस वजह से माइनस आई काम कर रहा है वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रहा है, तो ये आपका हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से बाहर खींच रहा है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ओके, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, साथ में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए।
प्लस चार्ज है, माइनस होता तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, लेकिन प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, फिर मेटा पोर्शन पर, तो क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इज दैट क्लियर। यहां की अगर बात करें तो ये क्या है, एनिलीन, ठीक है, नाम अभी मैं इसका नहीं लिखी हूं, नाम लिख देती हूं उसका, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, एनिलीन को जब हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं, मतलब H प्लस में लेते हैं, तो इसके पास लोन पेयर है और एसिडिक मीडियम मतलब H प्लस है, तो वो H प्लस इस इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में इसके पास आता है, यहाँ पे लोन पेयर से आके जुड़ जाता है और आपका बन जाता है एनिलीनियम आयन। तो जब भी हम एनिलीन को एसिडिक मीडियम में लेंगे तो क्या बनेगा, एनिलीनियम आयन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी दूसरी होगी, बट जैसे ही ये बनेगा तो उसकी पूरी की पूरी कहानी ही चेंज हो जाएगी, पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। यहाँ की बात अगर करें तो इसके पास लोन पेयर है तो ये रिंग में इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा, तो यहाँ पे प्लस आर काम करने लगेगा, ठीक है, माइनस आई काम करेगा बट बहुत ही वीक होगा, ठीक है, माइनस आई, तो यहाँ पर माइनस आई बहुत वीक हो जाएगा, प्लस आर काम करने लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिंग में सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये हो जाएगा एक्टिवेटिंग ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। और साथ में ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है किसको, किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। इलेक्ट्रोफाइल कहां आके जुड़ेगा, फिर रिंग में इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, मतलब आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वहीं पर आकर आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। तो आपका एनिलीन में NH2 क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट एनिलीनियम आयन में NH3+ क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है। इज दैट क्लियर। एनिलीन से एनिलियम कैसे बनाएंगे, जब इसको एसिडिक मीडियम में लेंगे H+ के साथ, तो H+ इस लोन पेयर से आके जुड़ जाएगा, तो इसका लोन पेयर खत्म हो जाएगा और तीन हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहाँ पे लोन पेयर चला गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, तो एनिलीन से एनिलीनियम एसिडिक मीडियम में बनाते हैं। इज दैट क्लियर, साफ कर दो उसको, ठीक है, सब नोट करते चलिए। हाँ चलिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो आपका NH3+ क्या था, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। नेक्स्ट है आपका CCl3, CCl3, इसको भी मैंने अपने लास्ट क्लास में अच्छे से डिटेल से इसकी पूरी कहानी बताई आपको, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, क्योंकि जो नए बच्चे होंगे वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसी वजह से उनके लिए, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ये रिवाइज कर रही हूँ। तो अगर आपने, ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर है CCl, CL और यहाँ पर CL, ठीक है, तीन CL अटैच है ना, CCl3 ग्रुप। तो क्या होगा कि इस केस में आप जरा ध्यान देंगे बोर्ड पर कि इस कार्बन से तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अटैच है, तो सोचो इस कार्बन की क्या हालत होगी, ठीक है, इस कार्बन से तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अटैच है, तीनों ही माइनस आई को शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, माइनस आई माइनस आई माइनस आई, ये एक CL ग्रुप अगर यहां होता, ये CL ग्रुप अगर डायरेक्ट बेंजीन से अटैच होता, कार्बन यहाँ पर अटैच है, बट अगर CL डायरेक्ट बेंजीन से अटैच होता तो वो अपने लोन पेयर को बेंजीन में सप्लाई करता, तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन डायरेक्ट अटैच नहीं है बेंजीन से, बेंजीन से डायरेक्ट अटैच कौन है, ये कार्बन डायरेक्ट अटैच है, क्लोरीन अटैच नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये कार्बन जो है ये अटैच है और इस कार्बन से क्लोरीन अटैच है। अगर ये केस होता, ये केस अगर होता, ठीक है, तो ये लोन पेयर सप्लाई करता क्लोरीन बेंजीन रिंग में, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन बेंजीन से अटैच नहीं है भाई, वो कहाँ अटैच है, वो कार्बन से अटैच है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरो बेंजीन का केस अलग है और ट्राई क्लोरो बेंजीन का केस अलग है, ठीक है, ट्राई क्लोरो मेथेन बेंजीन का केस अलग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो तीनों माइनस आई को शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो इस कार्बन की चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। जब बहुत कम हो जाएगी तो बगल के लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा, खींचने लगेगा, तो उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद आपका यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड सी हो जाएगा और एक सीएल यहाँ, एक सीएल यहाँ। अब कार्बन का तो भाई पांच नहीं हो पाएगा, अगर मैं यहाँ पर सीएल जोड़ूंगी तो कार्बन का पांच हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, कार्बन का चार ही रहता है। यहाँ पर सीएल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर एज ए सीएल माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, फिर आपका इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपका बन गया एक आयन, ठीक है,
सीएल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल गया और ये एक स्ट्रक्चर आपकी बन गई। फिर यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की कम तो बगल के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, फिर क्या हो जाएगा आपका ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ऑर्थो पर और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आ गए, फिर आपके सीएल और ये सीएल माइनस, जस्ट लाइक हाइपर कंजुगेशन, जैसे H प्लस कार्बन के पास ही रहता है वैसे यहाँ पर Cl माइनस कार्बन के पास रहेगा, इसको हम बोलेंगे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, जो मैंने अपने पिछले क्लास में डिटेल्स इसकी पूरी कहानी बताई है आपको, ठीक है, कि रिवर्स हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, उल्टा हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, सब मैंने बताया है, उस वीडियो को जरूर आप देख लेना, ठीक है, उस वीडियो को। तो यहाँ पर Cl माइनस इस कार्बन के पास ही रहेगा और ये Cl Cl हो गया, फिर यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, फिर क्या होगा कि ये इधर से मूव करेगा, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव फिर आर टू पोजिशन पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड सी सीएल सीएल, ठीक है, और यहाँ पर सीएल पर नेगेटिव। अब क्या होगा कि फिर वापस ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इस कार्बन की, तो बगल के लूजली पाई इलेक्ट्रॉन्स को, लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स को फिर तरफ खींच लेगा और यहाँ पर आपका इस तरह से फिर ऐसे ऐसे और यहाँ पर ऐसे फिर सी सीएल सीएल, और जब ये खींचेगा तो इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो तीन वैलेंसी हो गई, एक वैलेंसी कम है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बगल का जो सीएल माइनस अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर खड़ा है कि उस ताक में खड़ा है कि कब वो पाई इलेक्ट्रॉन वहां से जाए, तो वो सीएल माइनस अपने इलेक्ट्रॉन को इधर सप्लाई करने लगता है क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वापस सीएल जहां से आया था वहीं पर आके जुड़ गया, ठीक है, और वापस आपका पूरा रिंग में थ्री बॉन्ड हो गया, मतलब आपका रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गया, 1 2 3 4 5, ओके बन गया ना, यहाँ पर आ गया, खत्म हो गया, चलो ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने देखा कि ऑर्थो पर और पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, मेटा पोजिशन जस का तस है, तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है मेटा की तुलना में, सॉरी ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है मेटा की तुलना में, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव आ रहा है ना, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है मेटा की तुलना में, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पर तो पॉजिटिव है तो वहां पर अटैक ही नहीं करेगा, फिर वो कहाँ अटैक करेगा, मेटा पर, क्योंकि वहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा से थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, स्लोली अटैक करेगा बट करेगा, कि मेटा भाई इलेक्ट्रॉन तो है ना वहां पे, ऑर्थो पैरा की तरह तो बिल्कुल कंगाल तो नहीं हो गया ना, तो इस वजह से वो मेटा पोजिशन पर अटैक कर लिया और फिर क्या बनाएगा, मेटा प्रोडक्ट बनाएगा, जिसकी वजह से CCl3 आपका मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। ये स्ट्रक्चर बनाकर आप समझाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो आप इसको स्ट्रक्चर को अच्छे से ड्रॉ कर लेना, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा गाजू बाजू कर दिया है, तो बिल्कुल अच्छे से मैंने अपने लास्ट क्लास में इसको पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, अच्छे से समझाया था, वहां से भी आप देख सकते हो और यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट काम कर रहा है, तो आपका माइनस साइड काम कर रहा है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, दूसरा काम कर रहा है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन के ठीक उल्टा होता है, हाइपर कंजुगेशन में आपका हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड होता है वहां का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ के जो बीच का इलेक्ट्रॉन है वो आपका खींच रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हाइपर कंजुगेशन में हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को देता है बट यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइपर कंजुगेशन में एच प्लस होता है और यहाँ पर सीएल माइनस है, तो ऑपोजिट है, रिवर्स है, इसको बोलेंगे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिवर्स हाइपर कंजुगेशन और माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिंग के बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, रिंग के बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर कम हो जा रहा है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो भाई कहाँ अटैक करेगा, जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन मिले, तो वो देख रहा है कि मेटा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा बहुत है ऑर्थो पैरा की तुलना में, ऑर्थो पैरा में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पर वो अटैक नहीं करेगा ऑर्थो पैरा पर, वो कहाँ अटैक करेगा, मेटा पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से CCl3 ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेट होता है, क्योंकि पूरे रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा था तो ये स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। सो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यही तक रहने देते हैं, ठीक है, पूरा ऑर्थो पैरा मेटा और पूरा एक्टिवेटिंग डी एक्टिवेटिंग ग्रुप काफी डिटेल से मैंने अपने तीन क्लासेस में पढ़ा दिया है, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 और ये है पार्ट 3, ठीक है,
तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अब आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर हमारा खत्म हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है। तो मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक भी पढ़ा दिया है, इलेक्ट्रोफिलिक भी पढ़ा दिया है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने नेक्स्ट क्लास में। तो पूरा रिवाइज कर लीजिए, चार्ट को अच्छे से बनाकर रिवाइज करते रहिएगा। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।